जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण पर। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, आज हम आए हैं कामा जो तहसील है राजस्थान की, यहाँ पर हम आपको जो दर्शन कराएंगे आज, वो दर्शन होंगे आपको कामेश्वर महादेव के। और कामेश्वर महादेव का ऐसा माना जाता है कि जो मनोकामनाओं को पूरा करे वो कामेश्वर महादेव। आइए चलते हैं और इस सावन के तीसरे सोमवार में आपको दर्शन कराते हैं कामेश्वर महादेव की, जो कि कामा तहसील में स्थित है, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आइए, जय हो महादेव। अब हम जहाँ खड़े हैं वो कामेश्वर महादेव के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह के यहाँ दर्शन हैं। जय हो महादेव। और बड़ी लोगों की आस्था है इस मंदिर के प्रति। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। जैसे ही हम मंदिर से एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपको ये देखिए, दिखाइए इधर, ये बेलपत्र है जो कि महादेव को सबसे प्रिय है। और भैया जय हो भोलेनाथ। ये जो आप जैसे दर्शन कर रहे हैं, ये आपके कामेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं मुख्य द्वार से। काफ़ी सुंदर मंदिर है और आज अगर सावन का तीसरा सोमवार है, काफ़ी भीड़ है भक्त लोगों में, जो कि आप देख रहे होंगे। और इस मंदिर की विशेषता बताऊं कि लोगों का बड़ा भाव जुड़ा हुआ है इस महादेव से, और काफ़ी सुंदर दर्शन हम आपको कराते हैं। जय हो शिवाय। काफ़ी सुंदर दर्शन है, ये देखिए आप ठाकुर जी के। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप ये पूरे मंदिर प्रांगण के आपको दर्शन कराते हैं, और इस तरह से इस मंदिर के अंदर जब हम आते हैं तो इस मंदिर के अंदर आप देखिए हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर प्रांगण है और लोग काफ़ी यहाँ दर्शन करने भी आते हैं। तो कहते हैं कि ब्रज के गटगट में महादेव का वास है, ये खाटू श्याम का। जय हो महादेव। ॐ नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। सावन के तीसरे सोमवार में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कामेश्वर महादेव जो कि कामा में स्थित है, वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो सेवा करें, उनसे हम जानेंगे कि बाबा को यहाँ क्या भाव है और क्या लीलाएं हैं। ब्रज चौरासी को उसमें चार मुख्य महादेवों की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ जी द्वारा की गई ब्रज की रक्षा के लिए, जिनमें मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं और वृंदावन में गोपेश्वर हैं, गोवर्धन में चकलेश्वर हैं और कामवन में मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कामेश्वरनाथ महादेव यहाँ विराजमान हैं, जो कि द्वापर युग के हैं, 5,500 वर्ष प्राचीन हैं। और जो भी भक्त यहाँ भगवान की पूजा अर्चना अभिषेक वगैरह करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को तत्काल ही पूर्ण करते हैं, ऐसा सभी भक्त लोग मानते हैं, विश्वास है। ये कामवन के राजा हैं, इनके दर्शन के बिना कामवन की कोई भी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। काम बन जाए ताको काम बन जाए, जो कामवन में आते हैं, कामेश्वरनाथ के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए कामेश्वरनाथ की जय। जब कामेश्वर महादेव के हम दर्शन करने आए तो क्यों ना हम भी पूजा करें। आइए चलते हैं और बाबा की पूजा के लिए। कामेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जस्ट बगल में श्री रामेश्वरम जी का मंदिर है। आइए आपको लेके चलते हैं और ये सेतु बंद रामेश्वरम जी का। जय हो महाराज। आइए आप, काफ़ी सुंदर दर्शन है। ये रामेश्वरम वही हैं जो भगवान श्री राम ने जो रामेश्वरम में स्थापना की थी,
और वो कामेश्वर महादेव के बिल्कुल पास में विराजमान है और आप जब भी कभी आए तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम पूछेंगे कि प्रभु जी यहाँ किस तरह से ये दर्शन जो हो रहे हैं रामेश्वरम के, वो किस तरह से? ये तो राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी हैं। ये समुद्र के किनारे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई और ये हनुमान जी साथ में बैठे हुए हैं, वो रामेश्वर की पूजा करते हुए हैं। सेतु बंद रामेश्वर महादेव, कृष्ण भगवान ने अपने बड़े बूढ़े माता पिता के लिए काम वन में चार धाम की स्थापना करी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और सेतुबंध रामेश्वरम। तो ये रामेश्वरम महादेव का स्थान है। तो आदि बद्री में जो रामेश्वरम के दर्शन होते हैं तो वही दर्शन यहाँ पे? वो अलग है, ये अलग है। हाँ, तो वो रामेश्वर महादेव की स्थापना, वो तो काला शिवलिंग है, एक शिवलिंग है, लेकिन जो सेतुबंध रामेश्वर महादेव यहाँ बनाया है सेतु, और जब रामेश्वर महादेव की स्थापना की है, ये वो स्थान है। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर तो काफ़ी पुराना है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कि कामेश्वर महादेव के साथ साथ ही इसकी सेवा होती है। देख रहे हैं आप, दोनों महादेव के दर्शन आपको यहाँ मिलेंगे। कहते हैं कि ब्रजमंडल में सभी तीर्थ विद्यमान हैं और तीर्थन को तीर्थराज भी यहाँ विद्यमान हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और काफ़ी सुंदर आपने दर्शन किए। जैसे कि आज हिन्नौर आपने जो दर्शन किए वो कामेश्वर महादेव के दर्शन किए। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ कामेश्वर महादेव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।